जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, यदि आप गुरुवार के दिन एक छोटा सा उपाय करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपके जीवन से आर्थिक समस्या पूरी तरह से दूर हो जाती है। दोस्तों, तुलसी के पेड़ में एक छोटा सा अचूक उपाय आपको हर गुरुवार को करना है और ऐसे में घर से जो पैसों की तंगी है वो दूर हो जाएगी। कई बार बहुत मेहनत करने के बावजूद हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। हम दिन रात एक कर देते हैं लेकिन सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। लेकिन आज के इस उपाय के बाद आपकी ये जो परेशानी है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हर तरह की पूजा पाठ भी करते हैं, हर तरह का टोना टोटका, हर स्थिति में आप चाहते हैं कि आपका काम बन जाए। ऐसी स्थिति इस वजह से होती है क्योंकि आपका जो गुरु का प्रभाव है वो बहुत ही कम हो जाता है। कुंडली में यदि गुरु दोष आ जाए तो आर्थिक पक्ष आपका पूरी तरह कमजोर हो जाता है, सफलता में बाधा आने लगती है। तो आज मैं एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रही हूँ दोस्तों, जिसको करने से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, धन की कमी आपके जीवन से पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। गुरु को मजबूत करने के लिए आपको छोटा सा उपाय बताती हूँ, ये आप किसी भी गुरुवार को कर सकते हैं। आपको रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद फिर आप गाय का कच्चा दूध ले लें। देखिए दोस्तों, अगर गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप दूसरा जो पैकेट वाला कच्चा दूध आता है वो भी ले सकते हैं। 2 चम्मच दूध लेना है और इसे आप में पानी बिल्कुल ना डालें और एक छोटे से बर्तन में ले लें। अगर चांदी की कटोरी हो तो बहुत अच्छा होगा, अन्यथा नॉर्मल कटोरी में भी आप ले सकते हैं। इस उपाय को आप पीले वस्त्र धारण करके ही कीजिएगा। तुलसी के जड़ में आपको धीरे धीरे इस कच्चे दूध को चढ़ाना है और मंत्र को भी बोलते जाना है। ये मंत्र आप ध्यान से देख लीजिए, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। ओम श्रीम तुलसे विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। आपको ये मंत्र का उच्चारण करना है और आपको ये 8 से 10 गुरुवार होते होते आप देखिएगा, आपका खुद ही हर काम पूरी तरह से बनने लगेगा। ये उपाय करने से आप खुद भी अच्छा महसूस करेंगे। तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है और गाय का कच्चा दूध चढ़ाने से तुलसी मैया प्रसन्न होती है। विष्णु भगवान को भी तुलसी जी बेहद प्रिय है। यदि विष्णु भगवान को भोग में तुलसी चढ़ा देते हैं तो माना जाता है कि आपके जीवन से धन संबंधी समस्याएं दूर होने लगती है। यदि आपका जो गुरु है वो कमज़ोर है तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपके कार्य नहीं सिद्ध होंगे। शिवलिंग के ऊपर यदि आप केनर का जो कनेर होता है, जिसे कनेर बोला जाता है, कनेर का पीला फूल चढ़ाना चाहते हैं, ये आपको गुरुवार के दिन करना होगा। गुरुवार के दिन अगर आप शिवलिंग के ऊपर कनेर का फूल चढ़ाएं और उसे आपको 45 दिन तक इस काम को करें और कनेर के फूल में आपको साबुत चावल थोड़े से डाल देने हैं और उन चावलों को हल्दी से आप पीला रंग में रंग लीजिए। थोड़े से पानी में जो है हल्दी डालिए और उसके बाद उन चावलों को उसमें डालकर उसके बाद आप उसे फूल के अंदर, जो कनेर का फूल है उसके अंदर उस पीले चावलों को डाल करके, और आप अगर फूल को जो है शिवलिंग में चढ़ाते हैं तो ये भी बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। और साथ ही साथ हम आपको एक मंत्र बताते हैं, अगर आप इसका भी उच्चारण कर लेते हैं तो यकीन माने दोस्तों, आपके हर बिगड़े हुए काम पूरी तरह से बनने लगेंगे। आपको स्क्रीन पर एक मंत्र दिख रहा होगा, आप इस मंत्र का उच्चारण अच्छे से समझ लीजिए, लिख भी सकते हैं। इसे लिखकर समझकर अगर आप उच्चारण करते हैं तो आपके हर बिगड़े हुए काम पूरी तरह से बनने लगेंगे और आपकी मेहनत जो है वो तुरंत ही फलने लगेगी। आपको मालामाल होने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे उपाय बताए गए हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखें कि आप रविवार के दिन तुलसी जी ना तोड़ें। पुराणों के अनुसार तुलसी एक औषधि भी है, इसका उपयोग दवाई के रूप में भी किया जाता है।
आयुर्वेद में तुलसी को अमृत तुल्य कहा गया है। यदि आप तुलसी का नियमित रूप से उपयोग करते हैं तो ये एक वरदान की तरह आपके शरीर में काम करेगा। यदि आप विष्णु भगवान की कोई भी पूजा करें तो आप तुलसी जी का प्रयोग उसमें अवश्य करें। भगवान कृष्ण की कोई भी पूजा तुलसी के बिना पूर्ण नहीं होती, अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा बताए गए इस उपाय को आप जरूर करके देखिएगा। आपके ऊपर इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली और गहरा असर पड़ने वाला है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।